आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनसीईआरटी की जो बुक होगी उसमें हमारा ये 12th चैप्टर है, ठीक है। या जो भी हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सारे चैप्टर में सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी लेवल तक पहले कंप्लीट किया जाएगा। मतलब पूरा सिलेबस ये पूरा चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी लेवल तक पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग एनटीएससी लेवल स्टार्ट करेंगे। वो ये एनसीईआरटी लेवल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, जैसे ही एनसीईआरटी का लेवल कंप्लीट होगा एक बार मैं बता दूंगा कि यहाँ से एनटीएससी लेवल स्टार्ट हो रहा है, वहां से हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट एनटीएससी लेवल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे फायदा ये भी रहेगा कि स्कूल का एग्जाम जो होगा उसके लिए हमें कितना पढ़ना है वो हमें एक अलग रहेगा कि हाँ यार ये स्कूल लेवल एग्जाम के लिए बस इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, दोनों मिक्स करने में कंफ्यूजन हो जाता है कि जब हमारा स्कूल लेवल एग्जाम होगा तो उस समय क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, और एक और नई क्वांटिटी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे इसके बारे में पता चला था, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर देखना हो तो जैसे मान लो जो भी हमारे घर में बल्ब, फैन, टीवी, एसी, अगर ये सब अगर है तो अगर इन सबको अगर वर्क करना होता है तो ये कुछ ना कुछ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। जैसे मान लो सपोज अगर फैन अगर रोटेट हो रहा है, फैन अगर यूज कर रहा हूँ तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कुछ ना कुछ एनर्जी को यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ उनको वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ट्यूबलाइट की बात करें तो उनको भी वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी की जरूरत उन्हें होती है वही फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, सीधा एनर्जी का एक फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक बार देखते हैं हम लोग कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है वो वायर से कनेक्टेड होती है, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, टीवी हो, फैन हो, एसी हो, सब वायर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये वायर से कनेक्शन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि इनके थ्रू एक जगह से इन तक हम लोग, या फिर ऐसा बोले कि इन तक एनर्जी को हम लोग पहुंचा सके। चूंकि ऑब्वियसली हमने देखा कि इनको वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, और वो एनर्जी इन तक पहुंचाने के लिए हम लोग इससे कनेक्ट करते हैं इनको वायर से, ठीक है। जैसे मान लो ट्यूबलाइट अगर वायर से कनेक्टेड है ताकि वो वायर्स के थ्रू हम लोग एनर्जी ट्यूबलाइट तक पहुंचा सके। अब ऑब्वियसली वायर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जो कि क्या करे उस एनर्जी को कैरी कर सकता है। तो वो कौन सी चीज होती है जो एनर्जी को कैरी करता है, वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वायर के अंदर क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उस एनर्जी को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। तो हमारा आज का लेक्चर इसी के ऊपर रहेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में कैसे पता चला था, और फिर ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसके बारे में कैसे पता चला था इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इसके बारे में पता चला था ग्रीक वालों को, सबसे पहले इन्हें ये देखा था, ग्रीक में पता चला था लगभग 600 BC के अराउंड, 600 BC के अराउंड इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चला था, ठीक है। ये पता कैसे चला था, देखो जो भी अगर एक नई क्वांटिटी के बारे में, नई चीज के बारे में अगर फिजिक्स में पता चलता है तो वो होता है कुछ नेचुरल फिनोमेना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और वही ऑब्जर्व करते वही हम लोग देखते हैं कि हाँ यार नेचुरल फिनोमेना ये अगर क्यों हो रहा है, तब जाकर के हमें नई क्वांटिटी या नई चीज के बारे में पता चलता है। जैसे मान लो अगर सपोज जो एप्पल जो फॉल हुआ था, ठीक है, जैसे न्यूटन ने देखा था कि एप्पल फॉल हो रहा है, तो उसने वहां से देखा कि हाँ यार एप्पल नीचे क्यों फॉल हो रहा है, क्योंकि उसने बताया बाद में कि अर्थ जो होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है, ठीक है। तो वही उसने कुछ नेचुरल फिनोमेना ऑब्जर्व किया, वहां से हमें एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पता चला, नई क्वांटिटी के बारे में पता चला, नई चीज के बारे में पता चला कि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे खींचता है, ठीक है। वैसे ही ग्रीक वालों ने सबसे पहले एक बेसिक फिनोमेना ऑब्जर्व किया कि एक एम्बर नाम का मटेरियल होता है, जो उस समय था एम्बर नाम का मटेरियल होता है, जो उस समय क्या होता था, कुछ डेकोरेशन वगैरह वाले जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग फॉर्म करते थे, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स जो फॉर्म करते थे उसमें यूज किया जाता था,
ये काफी अलग अलग कलर में अवेलेबल रहता है। तो उस समय ये अलग अलग कलर में अवेलेबल रहता था, तो ये डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स जो हम लोग फॉर्म करते थे उसमें ये यूज किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जैसे एम्बर को हम लोगों ने रब किया फर से, किस चीज से, फर से, तो ये क्या कर, इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी आ गई कि ये दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, यानी जैसे मान लो ये हमारा एम्बर रॉड है, ठीक है, ये एम्बर रॉड को जैसे ही उसने फर से रब किया, ठीक है, फर से रब किया, मान लो ये फर हो गया, ये फर से रब किया, तो ये क्या हो गया कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी आ गई कि एक दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगा, तो ये नई प्रॉपर्टी उन्होंने सोचा कि आखिर जैसे ही अगर रब कर रहे हैं उसके बाद ही क्यों ये आ गया, क्योंकि अगर सपोज ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी रहती तो ये प्रॉपर्टी वो पहले भी शो कर रहा होता, लेकिन ये प्रॉपर्टी रब करने के बाद आई। ठीक है, तो ये इसके बाद हमने देखा कि ग्लास रॉड भी है। ठीक है, ग्लास रॉड को अगर सिल्क से रब कर दिया गया तो इसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी आ गई कि ये ग्लास रॉड जो है वो भी दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी उसने उन्होंने देखा कि यार एम्बर भी है सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ग्लास रॉड भी सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रब करने के कारण आ रहा है जो कि क्या हो रहा है कि ये दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को ये अट्रैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, इस नई प्रॉपर्टी को ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, कि हाँ यार एम्बर जो है वो दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर हम लोग क्या बोल देंगे कि इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। एम ग्लास रॉड है, ये भी स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमने क्या बोल दिया कि इसके ऊपर भी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या हो गया कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट, ड्यू टू विच इट शोज। अब एक बात देखो, यहां पे हम लोग केवल ये नहीं लिखेंगे इट शोज, ये अट्रैक्ट और रिपेल, क्योंकि अट्रैक्ट या रिपेल करना वो ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी के कारण भी हो सकता है, जैसे अर्थ दूसरी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग ये जो फिनोमेना था कि रब करने के बाद दूसरे स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करना, तो ये इस फिनोमेना को हमने इलेक्ट्रिक फिनोमेना का नाम दिया। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब लिखेंगे तो यही बोलेंगे कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को शो करता है, ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक फिनोमेना। इलेक्ट्रिक फिनोमेना एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक मैटर की जिसके कारण फिनोमेनन। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण एक मैटर इलेक्ट्रिक फिनोमेना, जैसे मान लो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना, रिपेल करना, आगे हम लोग देखेंगे कि रिपेल रिपल्सन ही होता है, तो ऐसे फिनोमेना अगर वो शो कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हमने देखा कि चलो ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता चला, तो हम लोग ये सोचे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता कितने तरह। ठीक है, तो उसके लिए अपने सिंपल एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चला, जैसे मान लो कि उसने क्या किया कि एक ग्लास, दो ग्लास रॉड लिए और दो एम्बर रॉड लिए। ठीक है, एक ग्लास रॉड हमने ये ले लिया, ये रहा हमारा एक ग्लास रॉड। ठीक है, ये रहा एक ग्लास रॉड, ये एक और ग्लास रॉड ले लिया। ठीक है, एक और ग्लास रॉड हमारे पास है, इन दोनों ग्लास रॉड को हमने रब कर दिया किससे, सिल्क से। इन दोनों को किससे रब किया हमने, सिल्क से रब किया, और एक दूसरा एम्बर रॉड लिया जिसको हमने रब किया किससे, फर से। ठीक है, जब एम्बर रॉड को हमने देखा, ये हमारा एम्बर रॉड है, ये एम्बर रॉड को हम लोग रब किए किससे, फर से। तो जब एम्बर रॉड को हम लोग ग्लास रॉड के पास लाए तो देखिए कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमने पहले भी देख रखा था कि यार ये दोनों ये जैसे ही रब करते हैं उसके बाद अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आती है, वो यहाँ भी शो हो रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही ग्लास रॉड जो कि सिल्क से रब किया हुआ था, जैसे ही इनको एक दूसरे के पास लाए, ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। तो जैसे ही इनको रिपेल करने लगे तो उन्हें यार पता चला कि आखिर केवल की इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज की प्रॉपर्टी आ रही है तो वो केवल अट्रैक्शन ही नहीं रिपल्शन की भी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। ठीक है, यही से हमने कंक्लूजन निकाला
कि कितने तरह का चार्ज हो सकता है। जैसे मान लो कि दो ग्लास वाले थे, दोनों के ऊपर क्या होगा, सेम नेचर का चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि इस ग्लास रॉड के ऊपर जैसा चार्ज आ रहा हो उसका अपोजिट नेचर का चार्ज एम्बर रॉड पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, या फिर दूसरा चार्ज पॉसिबल हो सकता है, लेकिन दोनों ग्लास रॉड पे क्या होंगे, सेम नेचर के चार्ज डेवलप हो रहे होंगे। तो जब सेम नेचर के चार्ज डेवलप हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को, हमने देखा कि रिपेल कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब यहां से ये पता चला कि इस पे एक नेचर का चार्ज आ रहा है, इस पे कुछ अलग नेचर का चार्ज है। चूंकि अगर इस पे भी एम्बर वाला ही चार्ज आ रहा होता तो दोनों जगह रिपल्शन शो करता या फिर दोनों जगह अट्रैक्शन शो होता हो रहा होता। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि कितने तरह के चार्ज हो सकते हैं, दो तरह, ठीक है। तो दोनों तरह के जो चार्ज होते हैं, तो डुफे नाम का जो साइंटिस्ट था इसने सबसे पहले ये डुफे नाम के साइंटिस्ट ने दोनों चार्जेस को एक अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। एक को नाम दिया विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी, एक को नाम दिया उसने विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरे को नाम दिया रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी, रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नाम था सिर्फ एक तरीके से कंडेंसर है, कुछ अलग अलग नेचर के चार्ज शो करने थे, तो बस इसीलिए एक को विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे को रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। ये विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी किसको दिया, जो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो रहा था उसको हमने क्या नाम दिया कि इसके ऊपर विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, और एम्बर रॉड के ऊपर जो डेवलप हो रहा था उसको हमने बोला कि इसके ऊपर रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। बाद में फ्रैंकलिन ने बोला कि नहीं, इन दोनों चार्जेस को, फ्रैंकलिन ने इन दोनों जो नाम, दो अलग अलग जो इलेक्ट्रिसिटी उसने नाम दिया उसको, एक को उसने बोल दिया कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेंगे और दूसरे को हम लोग क्या नाम दे देंगे, नेगेटिव चार्ज। ये सिर्फ यहां पर उसने क्या बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरा एक हमने दे दिया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा दिया, कि जो ग्लास रॉड को किससे रब किया हमने, ग्लास रॉड को सिल्क से अगर रब किया जाए तो जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज जो डेवलप होगा वही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो एम्बर रॉड को रब किया हमने, एम्बर रॉड को जो रब किया सिल्क के साथ, सॉरी फर के साथ, तो उसको हम लोग क्या चार्ज, क्या नाम दिया उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ एक हमारा कंडेंसर, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक तरीके से जीरो से बड़ा चार्ज है और ये जीरो से छोटा चार्ज है, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हमारा ऑब्वियसली जैसे दो अलग अलग नेचर के चार्ज थे, जैसे मान लो इंसान भी दो तरह के होते हैं तो ये दो अलग नेचर होता है उनका, तो एक को हमने मेल दूसरे को फीमेल बोला, वैसे ही यहाँ पे एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव बोला। चाहो तो आप इसको मेल फीमेल बोल सकते हो, चाहो तो आप इसको राम श्याम बोल सकते हो, कुछ भी। हम लोग एक अगर दो अपोजिट नेचर का अगर शो कर रहा हो तो हम लोग वो नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ हमारा एक कन्वेंशन है, ठीक है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, तो जो एसआई यूनिट होता है इसका वो होता है क्या, एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है इसका एसआई यूनिट, कूलम, सी ओ यू एल ओ एम, कूलम। इसका सीजीएस यूनिट देखिए, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट के तौर पर हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू भी लिखते हैं, और एक और यूनिट यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। वैसे ये हमारे सिलेबस में यूज नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होगा वो हमें 10th क्लास में वैसे यूज भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी सीजीएस यूनिट भी कहीं कहीं पर यूज होता है, ज्यादातर जो यूज होता है, बाकी जो यूज होगा वो कौन सा होगा, कूलम। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ईएमयू। अगर इनके बीच अगर रिलेशन देखना है तो वन कूलम जो होता है वो वन कूलम इक्वल्स होता है 3×10⁻⁹ ईएसयू, और ये होता है 1/10 ऑफ किसके, ईएमयू के, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो कुछ स्मॉल, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये वन कूलम में ही मेजर करेंगे, कुछ स्मॉल यूनिट्स भी होते हैं। जैसे मान लो सपोज अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज काफी स्मॉल हो, जैसे सपोज वन कूलम से काफी छोटा हो, तो उस समय हम लोग वन मिली कूलम यूज कर सकते हैं। वन मिली कूलम को किसके बराबर होगा, 10⁻³ कूलम। फिर वन
माइक्रो कूलम यूज कर सकते हैं, तो 10^-6 कूलम, या फिर 1 नैनो कूलम भी यूज कर सकते हैं, जो कि किसके बराबर, 10^-9 कूलम। ये जो तीन पार्ट है ये चीज ध्यान रखना, हमें क्वेश्चंस में यूज होता है, क्योंकि बॉडी के ऊपर सीधा सीधा ये लिखा हुआ रहेगा कि इस बॉडी के ऊपर 1 मिली कूलम है, तो उस समय हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका जो सिंबल अगर हम लोग देखें तो सिंबल क्या होता है इसका चार्ज का, तो वो हम लोग यूज करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैपिटल क्यू जनरली हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ हमें हीट के बारे में कुछ भी देखना नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, या तो हम चाहे तो कैपिटल क्यू भी यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखना है कौन सा क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमने पढ़ा उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, हमें देखना है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने देख ही लिया था कि जैसे दो ग्लास रॉड एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, और दो एक ग्लास रॉड और एक एम्बर रॉड जो था, जो कि ग्लास रॉड को हमने किससे रख दिया था, सिल्क से, और एम्बर को किससे किया था, फर से, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमने देखा था कि दो लाइट चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दो अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि लाइट चार्जेज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, लाइट चार्जेज रिपेल इच अदर, यानी एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव या दो एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को भी रिपेल करेगा, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे होंगे, एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, एक नेगेटिव चार्ज ये रहा, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि जो भी सेम चार्जेस होंगे वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के अगर चार्ज है तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज जो होता है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज हो तो उसके ऊपर मास होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर मास है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर चार्ज कोई, यानी जैसे हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पर हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे मान लो कोई भी एटम्स जो बना होता है या कोई भी मटेरियल जो बना होता है वो एटम से मिल करके बना होता है, और एटम्स के अंदर क्या क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और सॉरी एटम्स के अंदर सबसे अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके चारों तरफ बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ये हमें पता है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा हमने। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो इनके मास और इनके चार्ज के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत, इसका भी कभी कभी यूज आ जाता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन अगर देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के जो मास होता है वो कितना, 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। जो चार्ज होता है वो किसके बराबर, तो −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक और चीज देखो, यहाँ पे जो माइनस चार्ज आ रहा है वो हमें सिर्फ हमारे कन्वेंशन, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो से छोटा है, ठीक है। ये अगर मान लो फॉर प्रोटॉन देखें, फॉर प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो कितना, 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और ये चार्ज ऑन प्रोटॉन वो किसके बराबर होता है, तो +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये जैसे हमने प्रोटॉन पे एक अलग नेचर माना और इलेक्ट्रॉन पे अलग नेचर माना, ये कुछ ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं, प्लस का मतलब ये नहीं होगा कि ये जीरो से बड़ा होगा और ये जीरो से छोटा होगा, ये सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे कि दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो अलग अलग नेचर के, ठीक है। वही अगर फॉर न्यूट्रॉन देखें, फॉर न्यूट्रॉन अगर देखे तो ये न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो 1.6 × या ऐसे देख लो 1.6725 × 10⁻²⁻¹ kg होता है,
और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। जैसा हम लोगों ने बोला कि जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है इसका मतलब उसके ऊपर मास होना कुछ ना कुछ जरूरी है, लेकिन किसी बॉडी के ऊपर मास हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो। ये हम लोग एग्जांपल के तौर पे न्यूट्रॉन देख सकते हैं और ये क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यहां से देख सकते हैं कि चार्ज कैन एग्जिस्ट, सेकंड प्रॉपर्टी होगी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो होगा हो सकता है कि मास वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये रहेगी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड। थर्ड प्रॉपर्टी रहता है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है या कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जो 9th क्लास में हमने वर्क पावर एनर्जी देखा था कि किसी भी अपने पास जो सिस्टम जैसे एनर्जी का एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो इसी तरीके का है कि चार्ज भी जो है वो हम लोग ना तो एक क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये किसके लिए है? तो ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, यहां से देखो, ये आइसोलेटेड सिस्टम, ये जो हम लोग बात लिख रहे हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, वो किसके लिए है? आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी जो एक बीमारी फैली हुई है कोरोना, तो उसमें जो भी पर्सन अगर इस बीमारी से अफेक्टेड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेशन में डाल देते हैं। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब क्या हुआ कि वो किसी दूसरे पर्सन में यानी उसके आसपास के जो भी लोग हैं तो उनके कॉन्टेक्ट में नहीं आए। ठीक है, जैसे मान लो अगर सपोज वो जैसे अगर अभी हम लोग हैं तो हम लोग भी अपने घर में बंदी हैं। ठीक है, क्वारंटाइन जैसे लॉकडाउन है, तो उसमें हम लोग ये दूसरे आसपास के लोगों से कोई भी इंटरेक्शन हमारा बंद, तो हम लोग अपने अगर अपने घर के सभी मेंबर्स को ले ले तो हम भी क्या हो गए, आइसोलेटेड सिस्टम हो गए। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जो कि आसपास के किसी भी लोगों से या आसपास के किसी भी ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे अगर हम भी अगर अपने घर में बंद हैं, दूसरे आसपास के लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो हम भी एक ऐसे सिस्टम हो गए, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम जो के लिए जो होता है वो चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व। यानी जैसे मान लो सपोज एक ग्लास रॉड हो गया। ठीक है, ये हमने एक ग्लास रॉड ले लिया और एक सिल्क क्लॉथ ले लिया। ठीक है, ये लो भाई एक सिल्क क्लॉथ ले लिया। अगर हम लोग इसको ये जो पार्ट है पूरा अगर इसको एक आइसोलेटेड सिस्टम ले, ठीक है, मतलब ग्लास रॉड और सिल्क जो है ये मान के चले कि आसपास के किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से ये इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो अगर जैसे मान लो सपोज इनिशियली इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं और इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, मतलब यहाँ पे क्यू दोनों के ऊपर जो क्यू है वो कितना है, जीरो, मतलब सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, जीरो। सपोज किसी ने रब कर दिया, किसी ने इनको ग्लास रॉड को लेकर के ग्लास रॉड को सिल्क से रब कर दिया, अब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो होता क्या है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, ये ग्लास रॉड के ऊपर एक चार्ज आएगा, कुछ चार्ज आएगा और सिल्क के ऊपर भी कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, तो ग्लास रॉड के ऊपर अगर 4 कूलम का चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर कितने का चार्ज आएगा, -4 कूलम का। ठीक है, ग्लास रॉड के ऊपर कैसे चार्ज, अगर +4 कूलम का चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर कैसा, -4 कूलम का चार्ज। ये होता क्यों, क्योंकि जैसे ही मान लो जैसे अगर हम लोग रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये जैसे मान लो ग्लास रॉड के ऊपर ये जैसे ही सपोज ये इसमें से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बाहर चलेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि जब भी अगर एक बॉडी चार्ज होगी तो वो किसके ट्रांसफर के कारण होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। ठीक है, अब ये देखना है कि जैसे ही अगर इन दोनों को रब करते हैं तो अगर इसके ऊपर +4 कूलम का चार्ज अगर डेवलप हो रहा है तो इसके ऊपर कितने का होगा, -4 कूलम। अगर मान लो इसके ऊपर +10 कूलम का चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसके ऊपर कितना, -10 कूलम का चार्ज डेवलप होगा। यानी अभी भी चार्ज ऑन द सिस्टम जो है वो किसके बराबर है, जीरो। अभी भी सिस्टम पे चार्ज क्या है, जीरो। तो क्यू इनिशियल जो था वो किसके बराबर है, क्यू फाइनल के बराबर, मतलब जो इनिशियल चार्ज था वही किसके बराबर है, फाइनल चार्ज के बराबर। यानी हम लोगों ने ये जो सिस्टम लिया ग्लास प्लस सिल्क का जो सिस्टम लिया तो उसके उसका जो चार्ज है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। इसका चार्ज कभी भी
ये चेंज नहीं होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। ना तो हम लोग चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थोड़ा और अगर इसी स्टेटमेंट को और अलग तरीके से लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज ऑन द बॉडी, ये चार्ज ऑन द सिस्टम डजंट चेंज विद टाइम, मतलब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस सिस्टम के ऊपर जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। तो ये लिख सकते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज डजंट चेंज विद टाइम, चार्ज डजंट चेंज विद टाइम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देख ली, तीन प्रॉपर्टी देख ली। पहली प्रॉपर्टी कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। सेकंड प्रॉपर्टी कि चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, बट सॉरी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मतलब किसी बॉडी के ऊपर मास हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो, लेकिन अगर चार्ज है किसी भी बॉडी के ऊपर तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ ना कुछ मास होगा। नेक्स्ट कि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए का चार्ज हम लोग टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब सीधा ये रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब है कि वो सिस्टम जो कि आसपास के दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है, वो हम लोग ये जो होता है वो एडिटिव नेचर होता है। ठीक है, ये चार्ज होता क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास क्या होगा केवल मैग्नीट्यूड होता है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं बोलते हम लोग ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि इस बॉडी के ऊपर 10 कूलम चार्ज है लेफ्ट डायरेक्शन में, कभी हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, या फिर -10 कूलम चार्ज है नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी इसके पास ये कभी ऐसा हम लोग बोलेंगे नहीं। इसके पास क्या है केवल मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड है तो एक ऐसी क्वांटिटी हुई स्केलर क्वांटिटी। एक दूसरा क्या होता है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जिसमें कुछ डायरेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसे इसके बारे में ज्यादा उतना पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना दो तरह की क्वांटिटी होती है स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास क्या हो केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, जैसे मान लो फोर्स हो गया, बताना जरूरी होता है कि 10 न्यूटन फोर्स हमने राइट डायरेक्शन में लगाई या लेफ्ट डायरेक्शन में लगाई, ठीक है। तो ये जो रहता है ये एडिटिव नेचर शो करने का मतलब हो गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर, सपोज एक रैंडम शेप बॉडी ले ली, अगर इसके ऊपर किसी ने +3 कूलम चार्ज दे दिया, ठीक है, थोड़ी देर बाद कोई पर्सन आया बोला नहीं मैं भी दूंगा कुछ चार्ज इसके ऊपर, उसने -2 कूलम चार्ज भी दे दिया, थोड़ी देर बाद कोई और आया बोलता है कि +1 कूलम चार्ज भी रखो, ठीक। तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज हो गया इस बॉडी के ऊपर वो क्या बताता है कि ये प्रॉपर्टी कि इसके ऊपर अगर नेट चार्ज आपको निकालना है तो जो नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करते हो आप उसी का यूज करके इस पर नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो, यानी सबको डायरेक्टली ऐड कर दो तो +3 कूलम -2 कूलम +1 कूलम कितना जाएगा तो +2 कूलम, यानी इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा डायरेक्टली नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा के थ्रू हम लोग यूज करके हम लोग इसके ऊपर नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये क्या लिख सकते हैं कि नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड by using normal law of algebra, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखनी है प्रॉपर्टी जो भी अगर इस बॉडी के ऊपर चार्ज निकालना डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी बॉडी अगर चार्ज कब कहलाता है जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होते हैं वो अनबैलेंस्ड हो। जैसे हम लोग अगर बात करें किसी एटम की,
तो एटम इनिशियली क्या रहता है? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन। जैसे ये मान लो किसी भी मटेरियल का एटम है, तो अगर इसके अंदर अगर 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 10। अगर इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने? 20। ठीक है। और हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसके बराबर? मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर। और दोनों का क्या होता है? अपोजिट नेचर का। अपोजिट नेचर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करते हैं। तो इसीलिए ये एटम्स जो रहता है नॉर्मली स्टार्ट क्या रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान लो अगर ज्यादा हो गया या फिर कम हो गया, ठीक है, जैसे सपोज इनिशियली इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास कितने? 10 इलेक्ट्रॉन और कितने? 10 प्रोटॉन। तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उतना ही इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो नेट चार्ज इसके ऊपर कितना? क्यू नेट क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर ऐसा सोचो कि इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर बराबर नहीं हो, ठीक है, तो ये क्या होगा कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो क्या होगा? सेम नहीं रहेगा। तो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर सेम नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो बॉडी क्या होगी? चार्ज हो जाएगी। ठीक है। यानी यहाँ पे अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इक्वल टू किसके? नेगेटिव चार्ज भी। तो जैसे ही अगर नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग हुए तो बॉडी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? उस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ नेट चार्ज हो जाएगा। तो यहां से अगर बोलेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन बॉडी विल बी चार्ज, बॉडी विल बी चार्ज, तब वो बॉडी जो होगी वो क्या होगी? चार्ज होगी। ठीक है। अब एक बात है कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो बॉडी कैसे? नेगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज। यानी नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा होगा? व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी के कौन सा चार्ज ज्यादा होगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बॉडी कैसे चार्ज होगी? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अगर भाई देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बॉडी कैसे चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हुआ ये चीज कि अगर मान लो प्रोटॉन अगर ज्यादा हुआ तो पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब एक बात देखो कि अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो उसके अंदर के जो एटम्स होंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज डिक्रीज करने, यानी अगर दोनों का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो क्या करने? अनबैलेंस कर। ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, यानी अगर मान लो इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इलेक्ट्रॉन कम करने का मतलब क्या हो गया कि बॉडी को कैसे चार्ज करनी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करनी है तो उस केस में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। और अगर मान लो यानी अगर मान लो सपोज इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो हमने बॉडी कैसी चार्ज कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर सपोज इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करना है तो बॉडी को कैसे क्या कर रहा हम लोग? नेगेटिवली चार्ज। तो बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब ये चीज हम लोग प्रोटॉन के साथ भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि हम प्रोटॉन ऐड कर दें या प्रोटॉन ये निकाल लो। तो ये काम में क्या होता है कि हमने देखा कि प्रोटॉन को निकालने या फिर उसको ऐड करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू किसके? इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव करने। ये लगभग जो डिफरेंस रहता है वो मिलियन टाइम्स का रहता है कि प्रोटॉन को आप ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो उसके कंपैरिजन में ये मिलियन टाइम्स कम एनर्जी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव करने के लिए। तो इसीलिए जब भी अगर बॉडी को अगर चार्ज करना है तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो ऐड करते हैं या फिर रिमूव करते हैं, क्योंकि बॉडी को अगर चार्ज करने का मतलब ये हो गया कि बस इस नंबर को अनबैलेंस कर, और वो हमारा इलेक्ट्रॉन के ऐड या रिमूव करने से आसानी से हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो क्या करेंगे? किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं कि अ बॉडी विल बी चार्ज, अ बॉडी विल ऑलवेज बी चार्ज ड्यू टू, ऑलवेज बी चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
एक बॉडी हमेशा किसके ट्रांसफर के कारण चार्ज होगी, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। एक बार देखो, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रही है मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, पॉजिटिव चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बॉडी कैसी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां से लिख लेते हैं बॉडी बॉडी विच गेन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, अगर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो विल गेट नेगेटिवली चार्ज, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज, एंड बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन विच लूज इलेक्ट्रॉन विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, विल गेट पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यानी जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज और जो लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज। एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, एक लास्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी आता है कुछ क्वेश्चन में। ठीक है, कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वांटाइज्ड दो तरह की क्वांटिटी होती है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी कोई जिसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, और कुछ ऐसी होती है जिनकी कोई पर्टिकुलर या डिस्क्रीट वैल्यूज ही पॉसिबल है। जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें कि किसी क्लास में अगर स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, तो हो सकता है कि 10 हो, 11 हो, 12 हो, 14 हो, 20, 50, 100, 150, जो भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10.5 होगा या 10.35 होगा, ये इतने स्टूडेंट कभी पॉसिबल नहीं है। तो यानी एक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास जो होगा वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी, 10 होगा या डायरेक्ट 11 होगा या फिर डायरेक्ट 12, 14, कुछ ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि 10 भी होगा या 10.5 भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनकी केवल डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल होती है, वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, और वही अगर मान लो कुछ ऐसी भी क्वांटिटी है जिनकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज हम लोग अगर अमाउंट ऑफ शुगर, जैसे शुगर लेने का, ठीक है, चीनी वगैरह शक्कर लेने गए, तो हो सकता है कि 1 kg भी ले लें, 1 kg 200 ग्राम भी ले सकते हैं, 1 kg 225 ग्राम भी ले सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो वो क्या हो गई, कैसी क्वांटिटी हो गई, ये कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटाइज्ड क्वांटिटी क्या हुई कि ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल, ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल, ऐसी क्वांटिटी जिनकी केवल डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल होगी, वैसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। ठीक है, यानी अब एक बार देखो, हमने ये देखा कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो, ठीक है, तो ये किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। और हमने देखा कि जब भी अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक या तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, यानी सपोज अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या ऐसे इलेक्ट्रॉन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, या गेन भी करेगा तो इसी तरीके से करेगा। ऐसा भी होगा कि ये 0.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, नहीं पॉसिबल नहीं, या 2.2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा, तो या तो जैसे अगर रिमूव कर रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐड कर रहे हैं तो नेगेटिव, ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो अगर रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे ही 4, 5, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। तो यानी इसी को हम लोग ले सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू n इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी बॉडी के ऊपर क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इनटू n के बराबर, ये प्लस माइनस n, और जो n जो होगा वो क्या होगा कि बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1, 2, 3, 4 जो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होता है, एन इंटू ई के बराबर होता है। ये आगे ध्यान रखना, जब करंट डिफाइन करेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ये यूज भी होता है। ठीक है, तो ये किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज ऑन बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, आगे वैसे
क्वार्क्स के बारे में पता चला है, लेकिन उसके बारे में देखना नहीं, उसके ऊपर प्लस माइनस 2/3 या 1-1/3 के बराबर चार्ज होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वो क्वार्क के बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो चार्ज ऑन बॉडी जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगली क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, ये थोड़ा बेसिक था, ये बेसिक चार्ज के बारे में पता होना चाहिए था, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में ये भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बेसिक चीज जो पता होना चाहिए था वो बताया, ठीक है। बाकी अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वगैरह शुरू